यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े फ्लैट्स के अलावा बड़े बड़े मकान हैं, और आगे एक बहुत खूबसूरत पार्क है जो इस क्षेत्र के लिए बनाया गया है। यहाँ के जो सभासद हैं श्रीमती सुशीला दुबे, उन्होंने अथक प्रयास करके इस पार्क को बहुत खूबसूरत बनाया। हम आपको इस पार्क का नज़ारा भी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चहल पहल आपको अच्छी नज़र आ रही होगी। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इस इलाके का यह पार्क है। इसमें बच्चों के लिए झूले, एस्केलेटर और बैठने के लिए कुर्सियाँ, डस्टबिन, अभी बहुत साफ सुथरा स्वच्छ यह पार्क है। यहाँ पर लोग सुबह के समय जो इलाके के लोग हैं वह टहलते हैं। काफ़ी बेहतरीन अच्छा और पार्क है। इस पार्क के चारों तरफ रेलिंग लगाई गई है, देख सकते हैं यहाँ पे ये जो नाला है इसे भी ढका गया है। ये इलाका आप देखेंगे कितना अच्छा इलाका है, सामने अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। इस पार्क का नाम बलिदान पार्क है, जो कि आप अगर कभी आपको कोई पूछे झांसी में आपको इस पार्क के बारे में जानकारी लेना हो तो यह बलिदान पार्क झांसी नगर निगम झांसी का है, जो कि जैसे मैंने बताया कि सिविल लाइन स्टेडियम के ठीक पीछे वाले हिस्से में यह पार्क है। काफ़ी बड़ा पार्क है और इसमें कई सारे फूल, पेड़ और दो गेट भी हैं निकासी के लिए। फिलहाल इसे कोरोना काल में बंद रखा गया था, लेकिन अब ये देख सकते हैं कितना खूबसूरती के साथ आपको नज़र आ रहा होगा पार्क। बहुत ही खूबसूरत पार्क है। इसके अलावा जो यहाँ लोकल स्तर पर छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी, जिन्हें कि कोरोना काल में बंद करना पड़ा था, वह भी अब चालू हो गए हैं। सामने यह जिम का आप देख रहे हैं इलाका है। यह रास्ता जो आप देख रहे हैं सामने, यह कच्चे पुल की तरफ जा रहा है और यह सिटी बाज़ार में निकलेगा एक रास्ता। सबका मालिक एक की ओर निकलेगा। देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पर अब दुकानें हैं, कारोबार बहुत अच्छा होने लगा। अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं। अब रौनक देखने के बाद लगता है कि झांसी में काफ़ी माहौल बदल रहा है। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।